फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। दो दिन पहले आपको मैंने शाहरुख खान के बारे में दो बड़े अपडेट दिए थे। पहली बात ये बताई थी कि शाहरुख खान इस फिल्म के लगभग 7 किलो वजन कम करेंगे या कम किया होगा, ये अपडेट थी। और दूसरी अपडेट ये थी कि भूमि पेडनेकर फातिमा शनासेक इस फिल्म में नजर आएंगी। आज भी दो अपडेट देता हूँ, भूमि पेडनेकर भी इस फिल्म का पार्ट रहेंगी। बहुत ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं होगा, लेकिन भूमि पेडनेकर का भी इसमें रोल होगा। और दूसरी बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ, वो अपडेट ये है कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी 2-3 दिन हो चुके हैं और कुछ ही दिन और शूटिंग चलने वाली है। फर्स्ट शेड्यूल वो भी नॉन स्टॉप चलने वाला है और बहुत आई थिंक मेरे ख्याल से जो मेकर्स के मन में फिलहाल चल रहा होगा कि इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करें, मेरे ख्याल से वही एक लॉजिक है मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यानी कि शाहरुख खान के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। इस साल के एंड तक धमाका हो सकता है, कुछ चीजें अपडेट पता चलेगी तो और बताऊंगा, लेकिन हाँ ये सब सोर्सेस के द्वारा पता चला है और मैं अपने सोर्सेस पे काफी भरोसा करता हूँ। और मैंने इसके पहले 2 दिन पहले जब अपडेट्स बताया था, कई लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था, अबे तू तो सलमान शाहरुख खान का हेटर है, अबे तेरे वजह से फिल्म फ्लॉप हुई थी क्योंकि तूने KGF का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। देखो, मैंने बार बार कहा है मैं अच्छी फिल्मों का सपोर्ट करता हूँ, मैंने 0 का भी सपोर्ट किया था, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा नहीं किया था, बट स्टिल आई वाज सपोर्टिंग 0। अब अगर आप देखोगे जिस क्रिटिक से आपको उम्मीद थी उसने तो सबसे नीचे सबसे कम रिव्यू दिए थे, सबसे कम रेटिंग दी थी 1.5 स्टार की। सो इट इज नॉट मी, इट इज ऑल्सो द ऑडियंस। और ऑडियंस कहीं ना कहीं फिल्म सो फ्लॉप या हिट कराती, मैं नहीं कराता हूँ। मेरा बस चले तो मैं हर किसी को हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर दो, और मैं खुद दिल से मैं 1% भी कभी सोचा नहीं था कि 0 फ्लॉप हो जाएगी, कसम से बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम फील। लेकिन जब हुआ तो मुझे भी सदमा लगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छा कलेक्शन हो, और यहाँ पर हमने जिससे उम्मीद नहीं की थी सिम्बा से, उससे वो बहुत ज्यादा आगे चली गई। जो उम्मीद थी हमें 0 से, उस तरह का कलेक्शन सिम्बा ने कर दिया। तो बुरा इसलिए नहीं, ऐसे नहीं सिम्बा को मैं ब्लेम नहीं करूँ, बट आई थिंक बुरा लग रहा है कि 0 ने उस तरह का कमाल नहीं किया जो हमने उनसे उम्मीद की थी। तो इट इज हर्टफुल, बट दैट इज डजंट मीन दैट आई एम ए हेटर। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं हेटर हूं तो आप मेरे चैनल को कभी भी छोड़ सकते हैं, इट्स ओके। बट मैंने बार बार कहा है आपको, आई सपोर्ट गुड फिल्म्स, और मैं किसी एक्टर को बहुत सबको एक ही तरह देखता हूँ, बोलने का मतलब ये है, बट मैं फिल्मों को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, फिल्मों को हेट नहीं करता हूँ मैं। तो अगर आपको एज ए फैन के हिसाब से बोले भाई शाहरुख खान का हेटर तो ठीक है, सलमान खान का हेटर तो ठीक है, बोलो मेरे को जो बोलने का, इट्स ओके। बट फिल्मों के नजरिए से आप मुझे नहीं बोल सकते, बिकॉज फॉर मी फिल्म आर इम्पोर्टेंट। और मैंने 3.5 स्टार का 0 का रेटिंग दिया था बिकॉज द फिल्म वॉज गुड, फॉर मी द फिल्म वॉज गुड, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गुड है, क्योंकि मेरे को काफी फिल्म देखना पसंद है और मुझे पता है उसमें कितनी मेहनत लगी है, वो आपने देखा होगा VFX वीडियो में। सो हियर द न्यूज इज शाहरुख खान इज ऑल सेट टू कमिंग बैक। वो हारने वाले में से नहीं है कि भैया फिल्म फ्लॉप हो गई तो भैया रोते रहो, नहीं, ही इज स्ट्रांगली शूटिंग फॉर इस फिल्म और मुंबई में शूटिंग चालू है। बहुत जल्दी वापस से शाहरुख खान आ जाएंगे अपनी लय में पूरी तरह से, और इस साल के एंड तक शायद तोहफा दे देंगे। तो भैया बाबा सिंह ने तो कमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर सारे जहां से अच्छा जो फिल्म है जिसका अभी तक प्रॉपर नाम या टाइटल नामकरण नहीं हुआ है, वो जरूर धमाका करेगी इस साल के एंड तक, ऐसी खबरें आ रही है। और बहुत सारी चीजें और मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताते रहूंगा, लेकिन फिलहाल दो अपडेट्स आज भी मैंने जो बताया है उसमें से ये है कि भूमि पेडनेकर भी इस फिल्म का पार्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं होगा। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है एज पर द सोर्सेस। तो ये भी आप बोल सकते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल पर सूर्या ने सबसे पहले बताया, भैया सूर्या ने, कई लोग बोलते हैं सूर्या तो कॉपी करता है, अब देखता हूं कौन क्या बोलता है। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं।